वहां पागल तो नहीं है? जैसे कि सबको ही पता है, अभी लास्ट वीक कराची चल रहा था तो मेरा भी मूड था जाने का। तो भाई फुल किटिंग शिटिंग में तहा धो के तैयार हुआ और कराची ईट के लिए निकला। लेकिन तो भाई सीन ये है कि निकले हम कराची ईट के लिए ही थे, लेकिन जिन लोगों ने हमें अंदर कराना था वो उनमें से किसी का भी नंबर नहीं मिल रहा। हर तरह से हमने कोशिश कर ली है, तो अब हम वापस मुड़ के कहाँ जा रहे हैं जैन? मोहम्मद अली। तो अब हम जा रहे हैं मोहम्मद अली खाना खाने। हो सकता है कल जाएंगे हम कराची तो ये सस्ता में अब फिर मोहम्मद अली पे खाना खा के कर कराची कैंसिल। तो भाई ये सीन हुआ, वापसी घर आके हमें पता चला कि वहाँ जैमर्स लगे हुए थे और इसीलिए नंबर नहीं लग रहे थे, तो बेइज्जती हो गई। लेकिन ऑनेस्टी चेक कर छोड़ लड़के की। तो खैर आज की वीडियो कराची ईट के बारे में नहीं है, आज की वीडियो मेरे बारे में और मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में। लेकिन वो बात करने से पहले मुझे नहाना है, तो पहले नहाएंगे फिर आपसे बात करते हैं। मोबाइल यार, बात तो यहाँ भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह का मौसम हो रहा है ना बाहर, उसके लिए थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा। ज़मीन पे बैठ के बात करना पड़ता है, छत पे कोई चीज़ ही नहीं है इस पे बंदा कैमरा रख सके। खैर तो सीन ये है कि बहुत सारे लोगों ने ब्लॉगिंग जब मैंने स्टार्ट करने लगा तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई क्या सीन है और क्यों कर रहे हो, तो उस पर मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। शोर हो रहा है ऊपर। तो उस पर मुझे थोड़ी सी बात करनी थी कि मेरे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का असल रीज़न जो था वो मेरी सुस्ती थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद एज सच मेरे पास कोई काम नहीं था और रूटीन मेरा बिल्कुल आउट हो गया था। पूरी रात मूवीज़ और पबजी खेल रहा होता था और पूरा दिन सो रहा होता था, तो वो रूटीन आउट हो गया था और फिर सुस्त तो मैं था ही, नेक्स्ट लेवल सुस्ती की तरफ जा रहा था मैं। तो बेसिकली यही रीज़न था मेरा। और दूसरा ये कि इस बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लेकिन बस वो कैमरे का एक डर था, उस वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी स्टार्ट करने की। और ये था कि लोग मजाक उड़ा देंगे या इस तरह का सीन, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। लेकिन फाइनली मैंने सोचा, जानी जा रहा है, तो वो एक डर था और इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फाइनली फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब करना चाहिए, और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा सच और कोई रीज़न नहीं है, ना मैं अभी कोई सब्सक्राइबर्स के बारे में सोच रहा हूँ कि यार कितने लोग देख रहे हैं मुझे या कुछ। अभी सिर्फ मुझे कंटेंट बनाना है, वो मैं बना के डाल रहा हूँ। कब तक बनाऊँगा ये भी नहीं पता मुझे, अभी मज़ा आ रहा है करने में, कल को टाइम मिले ना मिले या शौक़ ख़त्म हो जाए तो उसका मुझे नहीं पता। और अभी मेरे दिमाग में यही है कि कम से कम पहले 50 वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूँ, उसके बाद देखूँगा कि सब्सक्राइबर कितने हैं या लोग कर रहे हैं या लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोज़ या नहीं देख रहे। फ़िलहाल मैं किसी को बोल भी नहीं रहा, बस जो बहुत करीबी हैं उनको तो खैर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती पकड़ के कर देता हूँ। तो ये सीन है। और आज मुझे कहीं जाना नहीं था, घर पर ही था मैं, और शुरू की वीडियोज़ में मैं ढूँढ रहा होता था कुछ कि कोई एक्टिविटी हो या कहीं जाऊँ मैं तो वीडियो बनाऊँ। लेकिन अब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि एक घर में बैठ के एक बोरिंग डे में किस तरह वीडियो बनाई जा सकती है, किस तरह बात की जा सकती है कैमरे में। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस टाइप की वीडियो ज़्यादा बनाऊँ, ना कि मैं डिपेंडेंट हूँ किसी इवेंट पे या कहीं जाने पे। तो ये सीन है। तो आज की वीडियो में बस यही बात करनी थी मुझे, और छत पर बैठे हुए आप, ऐसा मौसम हो और म्यूज़िक ना हो तो ये तो ज़्यादती है ना यार। आए फिर फरदा, ओ फरदा
क्या सोचता है, हाले अदम से क्यों बदगुमां है, कतरा ओ कतरा क्या जिंदगी है, बारिश में भीगा तेरा जहां है, ओ, तेरा जहां जहाँ है तेरा जहाँ।